नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। विगत कई दिनों से कत्लखाना ले जा रहे गोवंश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन गोवंश कत्लखाने ले जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रातों में अमरवाड़ा विधानसभा में गोवंश तस्करों का गढ़ बन जाता है और लगातार गोवंशित तस्करी इस क्षेत्र से की जाती है, लेकिन अब पुलिस ने इन तस्करों पर कार्रवाई करने का पूरा मूड बना लिया है और अमरवाड़ा थाना प्रभारी अनिल सिंघई ने लगातार गौ तस्करों पर कार्रवाई कर रहे हैं। बीती रात ऐसा एक मामला अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंगोड़ी पुलिस चौकी क्षेत्र में सामने आया, जहां बीती रात ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों को सूचना मिली कि ग्राम के कुछ ही दूर पर एक खेत में लगभग 10 से 15 गाय बंधी हुई है। तभी पुलिस और ग्राम रक्षा समिति ने अपनी फील्डिंग से जाकर कुछ युवक को मुखबिर की सूचना के लिए जगा दिया। करीब रात्रि 2 से 3 बजे के बीच को तस्करों ने अपने पिकअप में 6 गायों को भरकर महाराष्ट्र कभी खाने के लिए निकली। तभी ग्राम रक्षा समिति एवं सिंगोड़ी चौकी पुलिस ने उक्त पिकअप का पीछा किया, जहां उक्त पिकअप चालक ने राजोला ग्राम में की बस्तियों में गाड़ी डाल दी और विभिन्न चौराहों पर गाड़ी घुमाती रही और पुलिस की गाड़ी एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों की गाड़ी गोवंश भरी पिकअप के पीछे पीछा करती रही। तब भी पुलिस ने ग्राम रक्षा समिति ने दूसरे रोड में जाकर गोवंश भारी गाड़ी को तय किया, जहां गोवंश भरी गाड़ी ने ग्राम रक्षा समिति सदस्यों को सामने से टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप ड्राइवर ने गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक कर फरार हो गया। गनीमत रही कि ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को कोई गंभीर चोट नहीं आई और न ही गाड़ी को कुछ ज्यादा नुकसान हुआ। तभी गाड़ी सहित 6 मवेशी को पुलिस चौकी सिंगोड़ी में लाया गया, जहां पुलिस ने गोवंश अधिनियम का अपराध कायम किया और जांच शुरू कर दी। सिंगोड़ी चौकी के प्रभारी अभिषेक प्यासी ने बताया कि फिरोज खान ग्राम रजोला के निवासी के खेत में मवेशी बंधे होने की सूचना ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा मिली गई, फिर जाकर हमने कार्रवाई की है। कुछ 8-10 गाय बंधे होंगे जिन्हें, और तब तक क्या था कि वो एक पिकअप गाड़ी जो थी MH31EN0515, इसमें गोवंश लोड करके पिकअप को ये जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखी भागने लगी और इनका पीछा किया गया, तो हम कतिया ढाने कच्चे रोड में पीछा करते हुए पहुँचे और वो गाड़ी भी खड़ी करके हुई उन्होंने खेत के कच्ची सड़क में फरार हो गया। तो वहाँ से ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं 4-5 सदस्यों के साथ मिलकर उन्हें हम यहाँ चौकी लाए और बाकी पूरी कार्रवाई की। अभी मौके से आरोपी फरार हो गए थे, जिनके भी तलाश पतासाजी जारी है। धारा क्या लगे? धारा इसमें गोवंश अधिनियम, गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 9, 1, 2 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1), 4, 11(2) और MB Act की धारा 66/192, 191(1) और 184 मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।